देखिए आईपीसी में आपका धारा सेक्शन 4 चल रहा है भाई, धारा 4 पर आपका फिर एक बार शुरू किया जाए। धारा 3 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है और भारत में अगर वह विचारण का पात्र है तो विदेश में भले अपराध किया हो वह भारत में उस अपराध के लिए दंड का भागी हो, ये सामान्य नियम। अब अगर विदेश में अपराध किया है तो भारत में उसके खिलाफ कब ट्रायल चल सकता है, अर्थात भारत में कब वह दंड पा सकता है, इसका निर्धारण सेक्शन 4 करता है। यानी कि धारा 4 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति विदेश में अपराध किया है और भारत में वह दंड का भागी हो। धारा 4 की परिस्थितियां आपको बताई जा रही थी और उसी परिस्थिति को आगे बढ़ाया जाए। आपका पहला ये बताया गया कि अगर भारत का नागरिक है और भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा, यानी कि बैरक निकाल लीजिए। देखिए आपका कैसे क्वेश्चन बना है, आपका सतर्क रहना सेक्शन 4 से। देखिए भाई आपका पहला क्लास में फिर शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट 1, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो वह भारत का नागरिक भारत में विचारण का पात्र होगा, ये आपका पहला पॉइंट। अब इसमें 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको सतर्क रखना, कल भी बताया गया था, फिर एक बार हम दोहरा देते हैं। मिनट में पहला टेक्निकल क्वेश्चन ये बना कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक कब हो, अपराध करने के समय या अपराध करने के पूर्व के अपराध करने के बाद। तो दिमाग स्थिर करके क्वेश्चन करिएगा, अपराध करने के समय वह व्यक्ति भारत का नागरिक या भारत का सिटीजन होना चाहिए। अगर 1 जनवरी को अपराध करता है विदेश में और 2 जनवरी को भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति भारत में किसी भी हाल में सजा का हकदार नहीं, क्योंकि जिस दिन अपराध किया वह भारत का नागरिक। अगर मान लीजिए 1 जनवरी को भारत का नागरिक था, 1 जनवरी को ही नागरिकता जा कर दिया छोड़ दिया और 2 जनवरी को जाकर विदेश में अपराध कर बैठा है, ऐसी दशा में भी आईपीसी के तहत वह दंड का भागी नहीं होगा, ये अच्छे से तैयार रखिए। इसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन बताया गया था जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि विदेश में उसके खिलाफ मुकदमा चला, विदेश में वह बाइज्जत बरी हो गया उस मुकदमे में, तो क्या भारत में उसके खिलाफ पुनः मुकदमा उसी अपराध के लिए चल सकता है कि नहीं चल सकता है। दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि विदेश में उस अपराध के लिए मुकदमा चला, विदेश में सजा भी पाया, फिर सजा पूरी हो गई तो भारत लौटा, तो क्या भारत में उस अपराध के लिए उस पर पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं, ये एक टेक्निकल प्रश्न है। इसको पढ़ने के लिए संविधान का अनुच्छेद 20 का अध्याय 2 और सीआरपीसी 300 मिक्स करके पढ़ा जाता है। सीआरपीसी 300 का देखिए अपवाद नंबर नहीं याद आ रहा है, 6वां जो भी हो एकदम निचला खंड ये बता देता है सीआरपीसी कि अगर विदेश में धारा 300 का अधाई सीआरपीसी की धारा 188 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में दंड पाया हो या बाइज्जत बरी हुआ हो, सीआरपीसी ये कहती है कि भारत में उसी अपराध के लिए उसके खिलाफ पुनः मुकदमा किया जा सकता है, अर्थात हमारी सीआरपीसी ऐसे अभियुक्त को कोई रिलीफ नहीं देती, लेकिन संविधान देता है। और कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 20 का कौन सा क्लॉज? 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे संकट से संरक्षण। और अगर वह विदेश में सजा पाया तो भारत में पुनः उस अपराध के लिए वह दंडित नहीं। ये जरूर याद रखिए, आगे कभी आपका आएगा अनुच्छेद या धारा तो हम विजय में बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, अभी इसी पर चला जा रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन का मॉडल ये है, मैंने अगले क्वेश्चन का आपका मॉडल देखा जाए, यानी कि धारा 4 से आपका जो पहला पॉइंट हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन देखना। जो अभियुक्त ने अगर विदेश में अपराध किया है, यानी कि भारत का नागरिक है और विदेश में अपराध किया है, अब यहाँ एक पॉइंट और आपको जानना है कि अगर वह कार्य विदेशी कानून के तहत दंडनीय है लेकिन भारत में दंडनीय नहीं, यानी कि विदेश में वह कार्य अपराध है लेकिन आईपीसी उस कार्य को अपराध नहीं मानती, ऐसी दशा में ये याद रखना है कि वह व्यक्ति भारत में सजा का हकदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सजा के लिए यह आवश्यक है कि जो कार्य वह विदेश में किया है वह भारत में भी अपराध होना चाहिए। यानी कि विदेश से हमें मतलब नहीं है, कार्य विदेश में किया लेकिन वह कार्य कहाँ अपराध होना चाहिए? भारत, क्योंकि बिना विध के अपराध संभव। आइए दूसरा खंड देखा जाए, भाई पहला खंड इतना बताएगा, दूसरा भी खूब खोदा जाता है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध, यानी कि भारत में पंजीकृत कोई विमान है या कोई पोत है तो कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में अगर उस विमान पर या उस पोत पर अपराध करता है तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। इसी में आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपका एक एक टेक्निकल क्वेश्चन निकालिए, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक भारत का एक विमान है, मैंने बस ये देखिए एक शब्द पर आपका गलती हो सकता है। भारत का एक पोत है जो अमेरिका में है और उस पोत पर दो अमेरिकी नागरिक आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या वे आईपीसी के तहत दंड के भागी होंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक शब्द छूटा है कि वह पोत भारत में क्या हो, रजिस्टर्ड। जो टेक्निकल क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, फिर मैं बता दूँ, अगर शब्द रजिस्टर्ड न रहे तो दंडित न कराइएगा। फिर एक बार इसको समझिए, एक पोत है अमेरिका में, भारत का पोत है अमेरिका में खड़ा है और अमेरिका में दो विदेशी उस पोत पर आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या वह विदेशी भारत में सजा पाएंगे? तो एक शब्द हमने इसमें छोड़ दिया कि वह पोत भारत में क्या है, रजिस्टर्ड। और अगर ये शब्द गायब कर दे कि रजिस्टर्ड गायब ही कर दे तो दंड ना दिलवाइएगा, लेकिन एक शब्द अगर लिखे इसी उदाहरण में कि एक पोत है जो भारत में रजिस्टर्ड है, अमेरिका बंदरगाह पर खड़ा है अमेरिका के और दो विदेशी उस पोत में आपस में लड़ाई कर लेते हैं, तब तो भाई वे विदेशी भारत में दंड के क्या होंगे? भाग क्यों?
क्योंकि भारत में पंजीकृत पोत पर किसी भी व्यक्ति का मतलब चाहे भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति और संसार में कहीं भी यानी कि वह पोत संसार में कहीं भी हो अगर उस पोत पर अपराध किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति भारत में सजा के हकदार हो। पोत की जगह अगर विमान आ जाए तो सेम उदाहरण चलेगा, यानी कि अगर पोत की जगह क्या आ जाए विमान लिख दे तो ध्यान में यही रखना है जो टेक्निकल क्वेश्चन बना है कि अगर पोत या विमान भारत में रजिस्टर्ड है तो चाहे विदेशी आपस में उस पर लड़ जाए या भारतीय लड़ जाए या एक भारतीय और एक विदेशी उससे मतलब नहीं है, वे लोग भारत में सजा के क्या होंगे ये दिमाग से रखिए। बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपका और क्या पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा देखिए। अब भारत का मतलब क्या हुआ, क्या केवल भारत की धरती कि भारत के ऊपर का जो आकाश है वो भी भारत में माना जाएगा कि नीचे की धरती यानी कि हम लोग कहते हैं पाताल, तो भारत का मतलब क्या केवल भूमि के ऊपर का भाग कि नीचे की तीनों यानी कि आप देखिए अगर यही क्वेश्चन आपका उठता है एक अमेरिका का विमान है दिल्ली के ऊपर से जा रहा है और दो अमेरिकी उसमें आपस में लड़ जाते हैं तो क्या ये अपराध भारत में किया हुआ माना जाएगा कि विदेश में, क्योंकि भारत का जो स्पेस एंड एयर स्पेस वो भी भारत में क्या है। अब अगर आपका यही क्वेश्चन घुमा दे समुद्र में तो 12 नॉटिकल मील तक की दूरी किसकी मानी जाती है बढ़िया। हाँ भाई थोड़ा क्योंकि आपका दूरी से और बढ़ाई गए थोड़ा कम किया गया था क्योंकि भाई फिर से देखा जा रहा है पूरे विश्व में भारत में भी कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर आ जाए आपका और मरीज अचानक बढ़ने शुरू हो गए हैं भाई, इसलिए भले क्लास चल रहा हो लेकिन दो ही लोगों को बैठाया जाएगा और दो गज दूरी जरूरी है। और भाई किसी को भी अगर ये लगे कि लग रहा है कि हमारा तापमान बढ़ रहा है तो भाई तापमान नापने वाली मशीन भी रखी गई है, आप तापमान नाप सकते हैं खुद ही आपका सैनिटाइजर भी है और रोज आपका क्लासरूम को केमिकल से धुलवाया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी को हो और न पता लगे और बैठ कर चला भी जाए तो इतना तेज केमिकल छिड़का जाता है कि कीटाणु मार देगा कपड़ा भी, अगर कपड़े पर पड़ जाए तो कपड़ा भी आपका खराब ही कर देगा यानी कि कपड़ा जल रूप से स्वाहा हो जाए यानी कि उतना दूर तक क्या होगा वो अभी 5 लीटर फिर लाया मतलब खत्म हो गया था तो आपका भाई सतर्कता बढ़ती जा रही है पूरी तरह और अभी ज़्यादा लोगों के अलाउ नहीं किया जा रहा है पढ़ाने में। मैं बता दूँ तमाम लोग भले कम लोग पढ़ें भाई तो पैसा कम आए लेकिन पहली सुरक्षा जरूरी है। अगला देखिए भाई इसीलिए हो सकता है कि बिहार का एग्जाम फेल कर दें, ये बोलिए नहीं है तो एग्जाम बिहार 12-14 वाला टाल दिया तो 6 दिसंबर वाला भी लड़के अभी अभियान चलाए 15 के बाद कि टाला जाए नहीं अब चलेगा तो जा कर मार इधर नहीं होगा। देखिए आगे भाई आपका ये एक उदाहरण बताया मैंने उदाहरण ये करना है इस पर। अब एयर स्पेस में बता दिया गया, अब देखिए आपका ये दो तीन उदाहरण बनते हैं रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब ये समस्या आपका मैंने कह सकते हैं तमाम आती है। अगला देखिए इसमें आपका तीसरा खंड, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कार्य करता है, ये BHU LLM में
ये शब्द आया था, वो शब्द पकड़िए खंड तीन में, अंडरलाइन कर लीजिएगा, BHU-ALLM प्रवेश परीक्षा में यही शब्द तीसरा खंड में आया था। की धारा चार के क्लास तीन में क्या है, तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया था, एक व्यक्ति, फिर दूसरा ऑप्शन दिया था कि कोई व्यक्ति, तीसरा दिया था भारतीय व्यक्ति, और चौथा दिया था विदेशी व्यक्ति। मैंने BHU-ALLM में आपका इतना देखिए कैसे एक शब्द पर चार क्वेश्चन बना दिया पिछली बार, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति दिया, फिर दूसरा ऑप्शन कोई व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन भारतीय व्यक्ति, और चौथा ऑप्शन विदेशी व्यक्ति। तो जो गहराई से नहीं पढ़ा है वह कह सकते हैं कि पकड़ नहीं पाएगा। तो आप लोग तो याद रखिए क्या लिखा है, भारतीय नागरिक की, विदेशी की, कोई कोई व्यक्ति। अब कहाँ वो बैठा है, विदेश में, और भारत में स्थित जो कंप्यूटर है उसको लक्ष्य बनाते हुए क्या करता है, अपराध। फिर याद रखिए इसको थोड़ा बताना पड़ेगा आपका साइबर क्राइम के बारे में, तब इस खंड को हम बताते हैं। देखिए आपका वर्तमान समय में जो साइबर क्राइम है, यानी कि आप साइबर अपराध हैं, वह काफ़ी बढ़ रहे हैं, और लगभग हर एक व्यक्ति के पास ये साइबर अपराध ही कम से कम एक बार फोन कर ही देते हैं कि आपका खाता बंद होने वाला है, आप अपना एक चाहते हैं कि खाता चालू रहे, तो कुछ सूचनाएं दीजिए, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। अब नया सिस्टम, अब तो लोग ज़्यादातर जान गए हैं, अब ज़्यादा मैसेज आता है कि आप 2 करोड़ की सफारी जीत चुके हैं, 20,000 भेजिए, आपका डिलीवरी चार्ज। देखो कहता होगा मैसेज खूब, इतना जीत गए तो आपका लॉटरी आपकी लग गई, 10,000 भेजिए तो लॉटरी का टिकट आपको तुरंत क्या करूँ दूँ मैं। आपका फेसबुक हमारा भी हैक हो गया था, FIR हमने भी करा रखा है, हमने भी, हमारा भी आजकल साइबर अपराधी बड़ी सक्रिय है, और इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहाँ से अपराध किया जा रहा है, जो ये साइबर अपराधी हैं इनका पता लगाना कठिन काम होता है। साइबर अपराध का मतलब क्या हुआ, तो जो अपराध संसूचनाओं के द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं को कम्युनिकेशन के साधनों के द्वारा, उन्हीं को साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम अपराध है, और इसको दंडनीय बनाने के लिए भारत में एक नया कानून बनाया गया सन 2000 में, आपका IT Act, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, और उसी के तहत साइबर अपराध को दंडनीय बनाया गया। याद रखिए इतना तो इंटरव्यू में पूछे, इतना तो बता ही सकते हैं, और पिछली बार UPFO में पूछे ही दिया, क्वेश्चन बाहर आ जाए, यानी कि बताने का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन आपका उसमें क्या हो समाहित, जो IT Act सन 2000 द्वारा एविडेंस में संशोधन हुआ, वह संशोधन कब से लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर सन 2000, पिछली बार UPFO में आया था, डेट कौन सी डेट है, 17 अक्टूबर सन, एक क्वेश्चन आ गया। और जो लोग दरोगा की तैयारी करते हैं तो साइबर अपराध कहाँ दंडनीय है, IT Act सन 2000 कानून के तहत, आगे चला जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में है और भारत में स्थित कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाते हुए साइबर अपराध करता है, यानी कि अपराध करता है, उसको साइबर अपराध करते हैं, तो वह भारत में दंड का क्या होगा। अब जैसे कि आप लोग मैंने तमाम ऐसे आएंगे, अब कितना उदाहरण बताया जाए, इसको कभी और बताया जाएगा, आगे भी बढ़ना है। इसके बाद स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन आपका, मैंने इस धारा में, यानी कि धारा 4 के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और आपका
अपराध शब्द को स्पष्ट किया गया है और दूसरा कंप्यूटर साधन को स्पष्ट किया गया है। अब देखिए कभी काल ये पूछ लिया जाता है कभी काल कि अपराध को आईपीसी में कहाँ स्पष्ट किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 40। कौन सी धारा आप मारते हैं? लेकिन कभी कभी ये होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अपराध क्या होगा अलग से बता दिया जाता है, तो धारा 4 में अलग से ये बताया गया है कि ऑफेंस का मतलब क्या हुआ। लेकिन ये जो धारा 4 का स्पष्टीकरण है ये पूरी आईपीसी के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल सेक्शन किसके लिए लागू होगा? 4। और धारा 40 आईपीसी किसके लिए? पूरे आईपीसी। देखिए लास्ट में अब शब्द अपराध से ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत के बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो आईपीसी के तहत दंडनीय होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपराध भारत से बाहर किया गया लेकिन अगर भारत में किया जाता तो आईपीसी के तहत वह व्यक्ति भारत में क्या होता? दंड पाता। तो अपराध में ऐसा कार्य भी शामिल है। इस प्रकार आपका सेक्शन 3 और 4 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका सेक्शन 5 आता है। सेक्शन 5 आपका सेविंग क्लॉज। तो जहाँ जहाँ आपका सेविंग क्लॉज हो नोट में देख लीजिए, 9 तो उसको ऐड कर लीजिए। अब जिन जिन कानूनों में व्यावृत्ति खंड हो, सेविंग क्लॉज हो, इसको बचत खंड कहते हैं। अब यही फालतू क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, एक जगह एकत्र कर लीजिए। तो सेविंग क्लॉज कहाँ कहाँ दिया गया है एक जगह लिख लीजिए। सेविंग क्लॉज यानी कि हिंदी में व्यावृत्ति खंड, उसको लिख लीजिए व्यावृत्ति। नोट दिया गया उसी पर एड करते रहिए। व्यावृत्ति खंड। अब सेविंग क्लॉज आपका पहले लिखवा दें तब समझाएं, लिखवाना तो 2-3 लाइन में। अगर आईपीसी में पूछे कि सेविंग क्लॉज किस सेक्शन में, तो आईपीसी का सेक्शन 5 मारिए, लिख लीजिए। आईपीसी का कौन सी धारा? 5। एक बात, ये क्वेश्चन अगर जाकर आपका पूछे कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम में, तो आप भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में व्यावृत्ति या सेविंग क्लॉज दिया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट की धारा 1। ठीक है भाई, यही तो पकड़ना है। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 1, संविधान अधिनियम की धारा 1 में सेविंग क्लॉज है। जाकर आपको दिएगा, ये नहीं कि आप हम लिखवा दिए और पोती पत्रा बंद कर दिए। जाकर आप एक बार संविधान देखिएगा सेक्शन 1 क्या व्यावृत्ति खंड है कि नहीं, और भी बातें हैं। अब पीपीए में पूछ सकता बिहार कि पीपीए में यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेविंग क्लॉज व्यावृत्ति खंड किस सेक्शन में दिया गया है, तो टीप नहीं दो है भाई 2। देखिए टीपीए की धारा 2 में 4 सेविंग दी गई है। टीपीए की धारा 2 में सेविंग क्लॉज दिया गया है। टीपीए की धारा 2 में सेविंग क्लॉज। अब पुराने लोग बताइए सीपीसी में किस धारा में लिखा है सेविंग? 3, 4, 5 तीन ऑप्शन दिया जा रहा है। 5 नहीं भाई, 4 हमारे हिसाब से देख ले रहे हैं। लेकिन देख ले 4 है भाई, राजस्व में आ रहे 5 है। यही तो गलती होता है। लेकिन सीपीसी की धारा 4 में
से आ रही हैं। व्यापृति खंड दिया गया है, पहले कोलेट कर लीजिए। सीपीसी की धारा 4 और जो आप बता रहे थे 5 5 5 जो सीआरपीसी लिखिए, सीआरपी अगला लिखिए, सीआरपीसी की धारा 5, सीआरपीसी की धारा 5 में सेविंग क्लॉज दिया गया है। हाँ, ये आपका पहले व्यापृति खंड को हम समझ रहे हैं, ये सेविंग क्लॉज होता क्या है आपका, तब कर सकते हैं कि और चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिए अच्छे से इसको समझिए भाई, आपका जैसे कि आपके मान लीजिए घर से 4,000 रुपया आए, 3,000 रुपया आपने खर्च किया और जो 1,000 रुपया बचा उसे बैंक में जमा कर दिया, तो जो 1,000 रुपया आपने बैंक में जमा किया वह सेविंग खाता खुलवाया यानी कि बचत खाता खुलवाया और बचा कर कितना जमा आपने कर दिया, 1,000, उसी को सेविंग कहते हैं। लेकिन कानून में सेविंग क्या है, ये तो सेविंग पैसे का हो गया, कानून में भी यही नियम है। कानून में सेविंग का मतलब ये हुआ कि आईपीसी बंद तो गई है लेकिन ये कहा जाता है कि आईपीसी का विपरीत प्रभाव इन इन कानूनों पर नहीं पड़ेगा, यानी कि यदि आईपीसी के अलावा कोई स्पेशल ला या लोकल ला बना दिया गया है तो आईपीसी उस पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि वह जो स्पेशल ला या लोकल ला है वह भी साथ साथ चलेंगे और काम करेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, SC/ST एक्ट में जो अत्याचार के अपराध दिए गए हैं ज़्यादातर अपराध आपका आईपीसी में भी दंडनीय, तो क्या SC/ST एक्ट बन गया तो आईपीसी इसको दबा देगी कि वो भी लागू रहेगा? लागू रहेगा, यानी कि SC/ST एक्ट को आईपीसी से टकराव होने पर या आईपीसी के प्रावधान वहाँ होने पर बचाया गया है, SC/ST एक्ट भी लागू रहेगा और आईपीसी भी साथ साथ क्या रहेगी, वही व्यापृति किया जाता है। देखिए धारा 5 का, इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विध के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अलग कानून बना दिया गया तो केवल लोक सेवकों के लिए, या जो सैनिक हैं अगर वह विद्रोह करते हैं तो उसके लिए बना दिया गया, या अगर सेना की न अभिजन मैंने वाइवियर न समझ में आए उसको लिख लीजिए भाई, बैरक पर ही अभिजन मैंने भगोड़ा मैंने भाग गया, सेना की नौकरी छोड़कर ही भाग क्या हुआ, हाँ वही अभिजन मैंने त्याग देना, सेना की नौकरी छोड़कर भाग जाना, सेना की नौकरी छोड़कर भाग जाना, इस पर भी APO में बना था कि अगर एक सैनिक, देखिए क्वेश्चन कैसे बना था, यदि एक सैनिक है और वह सेना की नौकरी छोड़कर भाग आया और उस तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति उसको आश्रय देंगे, आश्रय को लीगल भाषा में कहा जाता है हार्बर, यानी कि जो व्यक्ति उसको क्या देंगे संश्रय, वे सभी व्यक्ति दंड के क्या होंगे, भाग। और यही क्वेश्चन आपका UPFO में पूछ लिया था कि कौन दंड के भागी नहीं होगा आश्रय देने के लिए भगोड़े को, तो ऐसी दशा में एक ही है उसकी पत्नी, अर्थात अगर पति भाग आया सेना से पत्नी संश्रय दे दी आश्रय तो पत्नी दंडित नहीं होगी,
और पत्नि भगाई तो कौन आश्रय दे दे? पति। तो पति पत्नी एक दूसरे को संग्रह देने के लिए दंडित। और किसी में आपका क्वेश्चन आया था एपीओ में 2015 वाले, और काफी लोग सही करके आए थे इसमें सर जी भाई। आइए अभी भागा है उसके लिए अलग कानून। तो भाई सेना की नौकरी आप स्वेच्छा से पा सकते हैं, भाग नहीं सकता स्वेच्छा से। आपका स्वेच्छा से भागेंगे तो आपका सेना न्यायालय में दंड के क्या होंगे? भाग। और जो सेना के भगोड़ा होते हैं उनके लिए सीआरपीसी में भी तमाम प्रावधान है, और आपका अलग कानून भी संसद ने बना रखा है। अब उतना एरिया करना संभव नहीं, तो सीआरपीसी में 4-5 सेक्शन बताए जाते हैं, लेकिन एक दायरा हमें सीमित ही करना पड़ेगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बन गया, यानी कि विशेष विधि या स्थानीय विधि, तो आईपीसी उस पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि इधर आईपीसी भी चलती रहेगी और उधर विशेष या स्थानीय विधि। मैं लोकल लॉ क्या है, स्पेशल लॉ क्या है, इसको मैं बता चुका हूँ पहले ही, आपका दोबारा नहीं बताया है। आगे आएगा धारा 5 के बाद आइए आपका धारा 6 से लेकर 52, यहाँ से आपका फिर क्वेश्चन बनता है। पहले इसका कंसेप्ट बनाइए। अब हमें आईपीसी का अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, आपका जनरल एक्सप्लेनेशन। यहाँ से भी प्री में आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। मैं बता रहा हूँ कितना प्री में 2 या 3, और इंटरव्यू में भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। जो टेक्निकल क्वेश्चन इंटरव्यू में बनते हैं वह आपका बनता है मुख्य रूप से सेक्शन 34 पर, यानी कि इंटरव्यू में जो मेंस में बनता है वो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन या सामान्य आरोप। इंटरव्यू में बस 2 क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर क्या है, यानी कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर क्या है, यानी कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर क्या है। तो बस एक अंतर है कि सामान्य आशय रहेगा, कॉमन इंटेंशन रहेगा, तो मस्तिष्क का पूर्व मिलन रहेगा अर्थात पूर्व निर्धारित योजना होगी, और सिमिलर इंटेंशन में योजना नहीं रहती लेकिन दोनों का आशय एक होता है, लेकिन पहले से कोई योजना बता जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 34 और 149 में आईपीसी अंतर क्या है। ये 2 क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए हीटेड क्वेश्चन, और प्री में भी बनता है आपका कि समान आशय और सामान्य आशय में अंतर सर्वप्रथम किस केस में बताया गया, तो महबूब शाह के केस में, और जज का नाम भी पूछा जाता है किसने बताया, लॉर्ड माधवन नायक बताया जाएगा, किसने बताया, लॉर्ड माधवन नायक। तो आगे हम बताएंगे इसको। आइए अध्याय 2 की शुरुआत की जाए। तो हमने ये बताया कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है। जब भी अध्याय 2 में दिया क्या गया है पहले ये समझिए, अध्याय 2 जनरल एक्सप्रेशन है, साधारण स्पष्टीकरण। साधारण ये धारा 6 से लेकर 52A तक है, यानी कि धारा 6 से लेकर 52 के, ये याद रखना है। अध्याय 2 जो 6 से लेकर 52A तक है ये साधारण स्पष्टीकरण का मतलब पहले जाने। जनरल एक्सप्रेशन या साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये हुआ कि कुछ शब्दों की व्याख्या की गई,
यानी कि कुछ शब्दों को क्लियर किया गया है कि इस शब्द का मतलब क्या होगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो धारा 6 से लेकर 52 ए तक एक तरह से हम देखें तो ये परिभाषाएं ही, यानी धारा 6 से लेकर 52 ए तक कुछ शब्दों को क्या किया गया है, परिभाषा एक तरह से वो व्याख्या भी हमने बता दिया, लेकिन कंपटीशन में यूपी में परिभाषा ही पूछा जाता है तो कहाँ से कहाँ तक 6 से लेकर 52 आगे बढ़ा जाए। अध्याय 2 जो धारा 6 से लेकर 52 ए तक है ये आईपीसी की कुंजी कही जाती है, यानी कि अगला क्वेश्चन आया कि आईपीसी की कुंजी कौन अध्याय है, राज को कौन खोज देता है, ये तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 2। यानी कि फिर एक बार समझिए क्यों कुंजी है, क्यों क्रोड है अध्याय 2, क्यों कुंजी है, इसको हम उदाहरण द्वारा बताएंगे, लेकिन एक लाइन तो याद रखिए कि आईपीसी की कुंजी कौन है, तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 2। अर्थात अध्याय 2 में जो बातें कही गई हैं वे बातें सेक्शनों से अटैच होंगी, अपराध की परिभाषाओं से अटैच होंगी और अपराध का जो व्यू है या अपराध का जो अर्थ है उसको और क्या करेगी, स्पष्ट कर देगी, क्लियर कर देगी, पूरी तरह खोल देगी। यानी कि पूरी तरह खोल देने का मतलब ये हुआ कि 5-6 से लेकर 52 ए तक की धाराएं अपराध की परिभाषाओं को और क्लियर कर देती है। अब कैसे क्लियर करती हैं ताकि हम इस अध्याय को कुंजी कह दें, यानी कि समस्याओं के समाधान का प्रावधान कहें, वही आपको सतर्क रहना है। एक उदाहरण हम बताते हैं कैसे कुंजी का काम करें। आइए एक उदाहरण देखते हैं चोरी के अपराध का, थेफ्ट का। चोरी की परिभाषा आपका आईपीसी की धारा 378 में दी गई, लगभग सभी लोग जानते हैं। चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं, पहले 5 लिख लिया जाए। पहला आवश्यक तत्व है संपत्ति का मूवेबल प्रॉपर्टी होना, यानी कि चल संपत्ति होना। दूसरा है संपत्ति का किसी के पजेशन में होना, किसी के कब्जे में होना। तीसरा है कब्जे से हटाना या कहाँ ले जाना, बाहर। और चौथा आवश्यक तत्व है कब्जेधारी की सम्मति के बिना, यानी कि उसकी रजामंदी के बिना। और पांचवा आवश्यक तत्व है माने कह सकते हैं कि बेईमानी का आशय, डिसऑनेस्टली, बेईमानी का या बेईमानी, यानी कि बेईमानी का क्या होना चाहिए इरादा। अब यही आपको देखिए आपका चोरी की परिभाषा में आपका कह सकते हैं कि 5 आवश्यक तत्व। अब इन 5 का अर्थ खोलने का कार्य अध्याय 2 करेगा, अर्थात इसका मतलब शब्दों का अर्थ बताने का कार्य अध्याय 2 करेगा। देखिए कैसे बताया जाए। अब मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहा जाएगा, इसके राज को खोलने आईपीसी की कौन सी धारा, कब्जा के बारे में धारा 27। इसके बाद आपका कह सकते हैं बेईमानी के बारे में राज खोल देगी कौन सी धारा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 22, 27 और 24 ये तीनों मिलकर जो चोरी की परिभाषा में शब्द आए हैं उन शब्दों को क्या करती हैं, क्लियर। अतः अध्याय 2 आप कह सकते हैं कि आईपीसी की क्या कही जाती है, ये पहला हमने उदाहरण बताया। दूसरा उदाहरण देखिए, इसी तर्क पर एक और उदाहरण देखिए।
अब ये पूछा जाता है धारा 6 किस अध्याय की कुंजी है, तो धारा 4 धारा 6 अध्याय आईपीसी के 4 की कुंजी हम बताएंगे, यानी कि अभी बताएंगे हम आपका, अभी धारा 6 न पढ़िए, अभी आप सामान्य बातें जानिए। तो सामान्य बात तो आ गई, ये परिभाषाएं क्या काम करेगी, फिर लास्ट एक लाइन जो 6 से लेकर 52 ए तक में मैंने स्पष्टीकरण दिए गए वो धाराओं से जुड़कर और धाराओं में कही गई बातों को और क्या कर देंगे क्लियर, यानी कि कहीं भी कोई संदेह न, इसीलिए यह अध्याय काम कुंजी कहा जाता है। अब आइए इस अध्याय में पहली धारा शुरू होती है 6, धारा 6 बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी धारा 6 आईपीसी का पढ़िएगा इसके साथ तमाम अनुच्छेद और तमाम धाराएं आपको ऐड करनी पड़ेगी। 6 पढ़िएगा तो आप 76 से लेकर 106 पढ़ लीजिएगा, यानी कि जब धारा 6 पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी इतना आसान है, धारा 6 पढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक 76 से लेकर 106 पढ़ना पड़ेगा, फिर आईपीसी की धारा 40 41 और 42, यानी कि जब भी धारा 6 पढ़िए आपका 76 से लेकर 106 यानी कि अध्याय 4 है, कौन सा अध्याय है 4, फिर आईपीसी की धारा 40 आईपीसी की धारा 41 और आईपीसी की धारा 42 इतना याद रखिए बताएं। फिर धारा 6 पढ़ते समय आपका 2 अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वह 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल एक्सेप्शन और एक स्पेशल एक्सेप्शन, यानी कि एक सामान्य अपवाद एक साधारण या सामान्य अपवाद होते हैं और दूसरा स्पेसिफिक या विशिष्ट अपवाद। अपवाद कितने प्रकार के 2 ये भी हम बताएंगे डिटेल में भाई। इसके बाद अभी बिहार आपका पिछली बार ये में पूछा भी गया था, इसी के साथ साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा हमें पढ़नी पड़ेगी 105 इसी बार आया था, यानी कि आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी पढ़नी पड़ेगी आपका 105। देखिए कह करके भाई, हाँ जहाँ तक धारा 6 की बात है, धारा 6 क्या बताती है अब ये देखिए, धारा 6 आईपीसी के अध्याय 4 की कुंजी कही जाती है, यानी कि फिर एक बार समझिए धारा 6 आईपीसी के चैप्टर 4 की कुंजी कही जाती है। क्यों कुंजी कही जाती है अभी हम बताएंगे, लेकिन एक लाइन पहले 2-3 लाइन कवर कर लेंगे। धारा 6 आईपीसी को विस्तृत होने से रोकती है, यानी कि धारा 6 आईपीसी को बड़ा होने से क्या करती है रोकती। अब कैसे रोकेगी ये तो डायरेक्ट बताया जाएगा। धारा 6 में जो सिद्धांत दिए गए हैं अब देखिए धारा 6 में बात क्या लिखी है, यानी कि सबसे पहले हमें धारा 6 का बेयर एक्ट देखना है, उसके बाद इतनी बोर्ड पर धाराएं लिखी गई हैं वे धाराएं और वे नियम कैसे धारा 6 से पूरी तरह कनेक्ट हैं ये हम बताएं। देखिए धारा 6 भाई, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अर्थहीन समझा जाए, यानी कि जितने भी संहिता में अपराध की परिभाषाएं दी गई हैं वह 7 अपवादों के अध्ययन होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये माना जाएगा कि उसके नीचे जो ये जनरल एक्सेप्शन है यानी कि सामान्य अपवाद है, यानी कि धारा 76 से लेकर 106 उन
इसके अधीन सभी धाराएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइए एक कार्य देखा है, एक उदाहरण। एक 6 वर्षीय बालक चोरी करता है तो 378 में कहीं नहीं लिखा गया है कि वह बालक बच जाए, लेकिन धारा 6 कहती है कि भले 378 में कुछ न लिखा गया हो, लेकिन ये माना जाएगा कि जितनी भी अपराध की धाराएं हैं उसके नीचे 76 से लेकर 106 लिखा गया हो, भले वहाँ दोहराया। अगर धारा, हाँ, ये कहा जाता है कि धारा 6 को यहाँ न रखकर आपका अध्याय 4 में ही कहीं एड कर देना चाहिए था, तो ये शुद्ध रूप से किससे कोरिलेट हो रही है, अध्याय 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर धारा 6 नहीं रहती तो एक कल्पना करिए आईपीसी कितनी बड़ी हो जाती। देखिए, अपराध की चोरी की परिभाषा दी जाती 378 में, और पुनः जो 76 से लेकर 106 तक प्रावधान है, पुनः उसके नीचे क्या किए जाते, लिखे जाते। 390 में लूट की परिभाषा दी जाती और पुनः 76 से लेकर 106 क्या किया जाता, लिखा जाता। तो भाई, बार बार एक ही बात को रिपीट करना कानूनन ठीक नहीं माना जाता। तो वह धारा 6 बता देती है कि सभी अपराधों में ये धारा अध्याय 4 अप्लाई होगा, यानी अध्याय 4 का बचाव सभी अपराधों में लिया जा सकेगा, वहाँ लिखने की कोई आवश्यकता। देखिए बैरन की भाषा, इस संहिता में सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, अपराध की हर परिभाषा, अपराध की माने हर परिभाषा में हर दंड उपबंध, यानी इतने सजाओं का प्रावधान, हर ऐसी परिभाषा या दंड का, दंड उपबंध का हर दृष्टांत, यानी कि दृष्टांत भी साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्यधीन समझा जाए, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल एक्सेप्शन है 76 से लेकर 106 तक में, आईपीसी की जितने परिभाषाएं हैं अपराध की, आईपीसी में जिन जिन धाराओं में सजाएं हैं, सजा का प्रावधान है, और आईपीसी में जितने दृष्टांत हैं, ये माना जाएगा कि जो साधारण अपवाद है वह उसमें सम्मिलित, मतलब उससे अलग नहीं है, उसमें क्या है, एड, भले उसको दोहराया न गया हो, यानी कि भले उसको वहाँ लिखा। अब आइए एक उदाहरण से देखा जाए, भाई थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब धारा 6 कहती है साधारण अपवाद, तो साधारण अपवाद आखिर दिए कहाँ गए, तो जनरल एक्सेप्शन दिए गए आईपीसी के अध्याय 4 में, और धारा 76 से लेकर कहाँ तक 100। जनरल एक्सेप्शन होते क्या है ये पहले थे। जनरल एक्सेप्शन या साधारण अपवाद वे बचाव होते हैं, डिफेंस होते हैं, जहाँ की कोई अभियुक्त अपने को बचाता है, यानी कि साधारण अपवाद वे डिफेंस है, वे बचाव है, जहाँ की अभियुक्त अपना बचाव लेता है, और अगर ये साबित कर देता है मैंने साधारण अपवाद, तो वह दंड नहीं पाता। अब क्वेश्चन ये बनता है,
साधारण अपवाद अपराध है कि बचाव है? बचाव तो बचाव है तो दंड साधारण अपवाद में दंड कितना है? तो घबराइएगा ना, जब बचाव है तो दंड थोड़े रहेगा, दंड नहीं है, ये क्या है? बचाव। अभी हम उदाहरण बताएंगे। साधारण अपवादों को आईपीसी में दो भागों में बांटा गया है, एक आपका 76 से लेकर 95 सामान्य बचाव है और दूसरा 96 से लेकर 106 तक में प्राइवेट डिफेंस या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। फिर एक बार खबर करें, साधारण अपवादों को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग आपका है कह सकते हैं कि सामान्य बचाव और कहां से कहां तक 76 से 95 और दूसरा 96 से 106 तक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रतिरक्षा या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, प्राइवेट। अब क्यों अलग अलग बांटा गया, इस पर चर्चा एक एक लाइन करनी पड़ेगी, यही क्वेश्चन आपका हिटेड बनता है। आखिर अलग अलग बांटने का क्या इरादा था? वही सतर्क रहिएगा, अलग अलग बांटने का इरादा ये था, ध्यान समझिए, 76 से 95 तक में जो प्रावधान दिए गए उसमें व्यक्ति अपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसका इंटेंशन या आशय उस कार्य को करने का नहीं होता। यानी कि मैं बताया था शुरुआती दौर में, अगर याद है, झारखंड एपीओ में भी पूछा गया था कि अपराध के लिए दो चीजें आवश्यक है, एक कसरिया और मैत्री, यानी कि आपराधिक कार्य और कौन सा? आपका दुराचार। तो आपका धारा 76 से लेकर 95 तक अभियुक्त इसलिए बच जाता है क्योंकि वह आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं, यानी कि आशय न होने के कारण किस धारा से किस धारा में बचाव है? 76 से लेकर 95, लेकिन आपका 96 से लेकर 106 तक में बचाव का आधार दूसरा है, कार्य का उचित होना, जबकि फाई होना, कार्य का रिजनेबुल होना। यानी कि धारा 96 से लेकर 106 तक में ये दिखाया जाता है कि हजूर अगर मेरी कंडीशन में आप भी रहते तो आप वही करते जो मैंने किया, अतः मैंने कोई गलत कार्य, तो कार्य का युक्त होना याद रखिए। अब ये आया कि एक उदाहरण दिया जाए, मान लीजिए देखिए आपका ए पर आरोप, उदाहरण देखिए, अब इसमें ए पर बी की हत्या का आरोप है, ध्यान समझिएगा, और ए के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल, ए चाहता है कि मैं जनरल एक्सेप्शन का बचाव लूं, यानी कि धारा 76 से लेकर 106 तक में अपनी बात रख दूं ताकि इस मर्डर से बच जाऊं, यानी कि हत्या से बाइज्जत क्या हो जाऊं? बच। अब ये देखिए क्या क्या दे सकता है बचाव है इस उदाहरण में, ये 84 का, मैंने दो उदाहरण बताए जाएंगे सभी धाराओं में, ये 84 का बचाव ले सकता है कि हजूर जिस समय मैं अपराध किया, बी को मारा, मैंने आपका अनसाउंड माइंड पर्सन था, चित्त विकृत व्यक्ति था, जिस समय मैं अपराध किया अतः मुझे सजा न दी। फिर बचाव ले सकता है आपका 82 का भी ले सकता है, तो जिस समय मैं बी को मारा उस समय मेरी एज 7 वर्ष से कम थी अतः मुझे बचाव। फिर धारा 100 का ले सकता है कि हजूर अगर हम बी को नहीं मारते तो बी हमें जान से मार देता, अतः हम अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में बी को मार कर अपने को क्या किए? बचा। इसका मतलब ये हुआ कि
जो जनरल एक्सेप्शन है, बिहार का क्वेश्चन आइए, 76 से लेकर 106 तक उसको साबित करने का भार यानी प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर होता है कि अभियोजन पर, तो अभियुक्त। और यही क्वेश्चन आपका बिहार ने बनाया, अभियुक्त पर होता है सबूत का भार, यानी कि अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि अपराध करते समय हम पागल थे या 7 वर्ष से कम के बालक थे कि क्या। तो ये जो कहा गया है कि ये साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन पढ़ना पड़ेगा, 101। यही बिहार में पूछा गया था कि आपका जब साधारण अपवाद का विचार लिया जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, अभियुक्त पर, कौन सी एविडेंस की धारा, लेकिन पिछली बार पूछा गया था। यह अगला देखा जाए, धारा 6 कहती है कि साधारण अपवाद का, साधारण जो अपवाद है ये हरेक परिभाषा में सम्मिलित माना जाएगा, परिभाषा नहीं, हरेक दंड में और हरेक दृष्टांत सम्मिलित माना जाएगा, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अर्थात साधारण अपवाद का, आगे देखते हैं, साधारण अपवाद का जो बचाव है वह किस अपराध में लिया जा सकता है, यही क्वेश्चन आपका कंपटीशन के लिए बनता है। अच्छा, कि जनरल एक्सेप्शन का बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है, तो धारा, अब आपका अपराध पर आना पड़ेगा। अपराध की, अपराध को आईपीसी ने कहाँ स्पष्ट किया गया, अपराध में कौन कौन से अपराध शामिल हैं। एक आपका अपराध हो गया जो आईपीसी के तहत अपराध है, दूसरा कौन सा अपराध हो गया, विशेष विधि, और तीसरा कौन सा, अस्थान। तो अब आइए, धारा 40 में अपराध का मतलब क्या, ये भी पूछा जाता है, किसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विध के तहत अपराध हो, और जो स्थानीय विध के तहत अपराध हो, उपर्युक्त सभी, तो अपराध में कौन माने जाएंगे, उपर्युक्त सभी। अब हमने लिखा धारा 41 और 42 क्यों लिखा, क्योंकि विशेष विध की परिभाषा कहाँ दी गई है, 41 में, और स्थानीय विध की परिभाषा में, इसलिए दो धाराएं और लिखी गई, कौन कौन, 41 और 42। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई, मेन हमें इतना मैंने कम समझ में आया होगा, क्योंकि काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब तक अध्याय जाए शुरू नहीं किया जाएगा, ये सही बात है, नए लोगों को थोड़ा ये सब काम है, लेकिन आप धैर्य रखिए, आगे जब पढ़ेगा मामला तो फिर को लेट करके दूसरे एंगल से बता दिया जाएगा, ना समझना है। अब यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि साधारण अपवाद का बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है, जो आईपीसी के तहत अपराध है उसमें लिया जा सकता है, जो विशेष विध के तहत अपराध है उसमें लिया जा सकता है, जो स्थानीय विध के तहत अपराध है उसमें लिया जा सकता है, और अंत में दे देगा उपयुक्त सभी में लिया जा सकता है, इसमें लिया जाएगा उपयुक्त सभी। एक उदाहरण SC ST एक्ट का देखा, एक मान लीजिए ST कैटेगरी का व्यक्ति है और वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा करता है कि इन्होंने हमें घोर उपहत पहुंचा। अब समस्या ये है कि क्या उस मुकदमे में जिस व्यक्ति पर अभियोग लगा है, क्या वह अपना बचाव आईपीसी की धारा 76 से लेकर 106 तक में ले सकता है कि नहीं, यानी कि ले सकता है, क्यों, क्योंकि जो स्पेशल लॉ के तहत अपराध है उसमें भी ये बचाव मान्य है, और जो लोकल लॉ के तहत अपराध है उसमें भी
और जितने अपराध कहाँ हैं आईपीसी उसमें। वही एक उदाहरण हमने बताया आपका, इसका स्पेशल ला का एसटी है। देखिए दो दृष्टांत दिए गए भाई, देख जब तो भाई दो दृष्टांत धारा छः में है। देखिए दृष्टांत, इस संहिता की वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्यधीन समझी जानी है जिससे में यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाएगी अपराध नहीं। उदाहरण कहे तो फिर बताया जाए, देख चोरी वाला हमने उदाहरण बताया, फिर एक बार हम एक लाइन बता दें। मान लीजिए ये एक 6 वर्षीय बच्चा है और आपका एक दुकान से ब्रेड चुरा था, तो 378 में कहीं नहीं कहा गया कि 6 वर्षीय बच्चा दंड से बच जाए, लेकिन धारा 6 कहती है कि जो ये 76 से लेकर 106 तक की धाराएं हैं ये सभी अपराधों में शामिल मानी जाएगी। यानी कि जब भी अपराध की परिभाषा पढ़िए तो 76 से 106 उसके नीचे लिखा हुआ क्या होगा माना जाए। यानी कि चोरी के अपराध में 76 से लेकर 106 तक का बचाव लिया जा सकता है। यानी कि 82 आई धारा बच्चा 7 वर्ष से कम है तो चोरी के अपराध में बच्चा ये बचाव ले सकता है धारा 82 का कि मैं 7 वर्ष से कम हूँ अतः मुझे सजा न दो, भले चोरी की परिभाषा में न लिखा गया। दूसरा दृष्टान देखिए, कौन एक पुलिस अफसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यहाँ गलत आदमी पकड़ लिया जाता है, ये पढ़ना नहीं, इसको आगे डिटेल में देखा जाएगा। आइए धारा 7, अब आपका छोटी छोटी धारा है। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक कंपटीशन में, लेकिन बिहार के पीओ के लिए भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना ही हो, कुछ बातें एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आज केवल आईपीसी चल रही है, इस पर दिक्कत आ रही है, मैंने गलत दर्द मैंने हल्का हल्का तो ज़्यादा बोला नहीं जा सकता, जब दिक्कत है कि भाई इतने महीने बाद आदमी दोनों टाइम शुरू कर दिया उसमें आपका तमाम समस्याएँ आ गई, मौसम के कारण भी थोड़ा दिक्कत कभी काल आ जाती है और मौसम इतना चेंज हो रहा है कि लगभग सबको सर्दी जुकाम बुखार इस सब ज़्यादा लोगों को पकड़ा है और वो थोड़ा बहुत असर कर देता है। वो आईपीसी ही चलाते हैं थोड़ी देर और आपका संविधान खत्म हो जाए और कुछ व्यक्तिगत कारणों से सुबह भी दूसरा चीज चलाना पड़ा भाई, कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपका रात में तैयार नहीं हो पाया संविधान। देखिए आदमी पढ़ाया है कई बार वो अलग बात, लेकिन एक बार पढ़ाने के पहले खुद पढ़कर पढ़ाना अलग भाई, पहले से आदमी पढ़ाया है तो हम वही केवल पढ़ाएंगे जो पहले से जानते हैं और नए पढ़ने के बाद में नई नई किताबें तो हम कुछ आपको क्या बता सकते हैं नहीं, इसलिए अगर नहीं तैयार रहता तो भाई ज़बरदस्ती हम भी नहीं करते, भले क्लास ना चले लेकिन ज़बरदस्ती हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर हमारा तैयार है तभी हम आपको पढ़ाएंगे भले 5 दिन बाद करेंगे, क्योंकि भाई आए हैं आप तो कुछ इसलिए आए हैं कुछ नई बातें आपको क्या चले मार, ये तो पोथी पत्र में तो सब लिखा गया, घर पर नहीं पढ़ सकते क्या जरूरत है। तो आईपीसी कोई कुछ आगे बढ़ाया जाए कुछ सेक्शन तो ऐसे निकल जाए, दो दो लाइन का सेक्शन है। धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार किसी पद को किसी शब्द को आपका
अध्यायों में स्पष्ट कर दिया गया, तो वह पद आईपीसी में जहाँ जहाँ आए उसका मतलब वही निकाला जाए जो अध्यायों में दिया गया। बार बार एक ही शब्द को क्लियर नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर धारा 24 आईपीसी में बेईमानी शब्द परिभाषित कर दिया गया, एक बार परिभाषित कर दिया गया, तो आपका जहाँ जहाँ भी आईपीसी में इस अनेस्टली या बेईमानी शब्द आएगा उसका मतलब वही निकाला जाएगा जो किस धारा में है। चल जहाँ जहाँ चल संपत्ति शब्द आएगा उसका मतलब वही निकाला जाएगा जो किस सेक्शन में है। जो 22 यानी एक बार जब बता दिया गया तो बार बार दोहराने की आवश्यकता। देखिए आपका धारा 7 से क्वेश्चन कभी नहीं। धारा 8 लिंग यानी कि जेंडर को परिभाषित करती है। अब आपका यहाँ भी यहाँ से एमपीओपी क्वेश्चन बनाते हैं, यूपी तो कभी नहीं बनाया, लेकिन एक एक लाइन याद रखिएगा। लेकिन आपका केवल हेडिंग से काम नहीं चलेगा, वर्तमान समय में आपका टेक्निकल क्वेश्चन भी बन जाता है। देखिए शब्द भाई लिंग या जेंडर, तो सामान्यतः लिंग जेंडर दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि कौन कौन मेल और फीमेल। लेकिन वर्तमान समय में एक और जेंडर आ गया है जो न 3 में है न 13 में, थर्ड जेंडर आ गया है। तो ऐसी दशा में आपका जो थर्ड जेंडर है उसको भी समझना है। अब उसे ओबीसी में शामिल कर लिया गया है और 27% आरक्षण दिया होगा, फाइट करें। भू राजस्व अधिनियम में संशोधन करके जो थर्ड जेंडर है उसको पुत्र पुत्री के बराबर हक दिया। थर्ड जेंडर आपका अब जब फार्म भरा जाएगा कंपटीशन में तो सुप्रीम कोर्ट ने या नाथ फाउंडेशन का केस था, नाथ फाउंडेशन, हाँ वही नाथ फाउंडेशन वाले करते हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, थर्ड जेंडर से मतलब है। जो थर्ड जेंडर है अब जब भी फार्म निकलेगा अब मेल फीमेल एक मदर निकलता है, पहले मेल फीमेल। एक बार ये गलती हो चुकी है, देखिए माध्यमिक शिक्षा पर्षद ने फार्म निकाला, मेल फीमेल का ऑप्शन था लेकिन थर्ड जेंडर यानी अदर का ऑप्शन नहीं था। ये पेपर में बात निकली और माध्यमिक शिक्षा पर्षद को अपनी साइड में सुधार करना पड़ा और 2 दिन बाद एक थर्ड ऑप्शन बनाया गया अदर का। आपका इनकी आरक्षण नहीं है, राम बता रहे कितना परसेंट लोग फाइट करेंगे ओबीसी। इनकी वर्तमान समय में जो थर्ड जेंडर है आपका, मैं बता दूँ इनकी जो थर्ड जेंडर है आपका, उनको भी कानून अब अधिकार दे रहा है, बराबर के हिस्सेदार होंगे अब संपर्क में। उत्तर प्रदेश में भी चेंजिंग आ गई और सुप्रीम कोर्ट बार बार इनके हक को बता रहा है। और 377 आईपीसी जो समलैंगिकता को दंडनीय बनाती थी 2018 में, नवतेज सिंह जौहर वर्ते भारत संघ के बाद में उसको भी अपराध से बाहर कर दिया। यानी कि इतना आपका बताने का मतलब ये हुआ, अब कोई थर्ड जेंडर ना जानता हो तो भी बता दिया जाए। जैसे कि ट्रेन ओन में कभी जाइए तो आपका पैसा वसूलने वाले आते हैं ना, उसी को थर्ड जेंडर। अब एक बिहार के थे, आपका कह सकते हैं कि लोग के नाम नहीं बताया जाए भाई, वो हमेशा उनको परेशान करते थे वो सब, हमेशा वो पैसा देते। तो अगर विश्वास न हो तो ट्रेन में एक बार यात्रा करिए और पाला पड़ेगा तो खुद ही थर्ड जेंडर क्या करेंगे जान लेंगे। यानी कि नाई से पूछेंगे, जैसे हमसे पूछेंगे कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, तो जाकर भाई कटेगा तो खुद ही क्या करेंगे। यानी कि थर्ड जेंडर से पाला पड़ेगा कहीं रास्ते में तो खुद ही जान लेंगे कौन होते हैं। लेकिन उससे मतलब नहीं, दूसरा देखिए हमें
वर्तमान समय में एक और जेंडर हो गया, थर्ड जेंडर, जिसे कानूनी जांच किया गया हमारे, लेकिन हमें धारा 8 पर गौर करना। देखिए धारा 8 भाई, पुलिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या न। अच्छे से समझिए, यानी कि जहाँ जहाँ अगर आपका मेल शब्द का प्रयोग IPC में किया गया, सामान्यतः यह माना जाएगा कि वहाँ फीमेल भी मेल में शामिल, भले अलग से फीमेल या आपका कह सकते हैं नारी न लिखी गई, लेकिन ये विध का पूर्ण नियम नहीं है। अगर बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि ये अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जाएगा तो फीमेल वहाँ नहीं काम करेगी, और अगर स्पष्ट लिख दिया गया हो कि ये अपराध केवल महिला द्वारा या महिला के प्रति किया जा सकता है तो वहाँ पुरुष नहीं आता। यानी कि सामान्य नियम ये है कि मेल में फीमेल शामिल है, जहाँ जहाँ मेल सब है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बेयर एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि केवल मेल, तो फीमेल न मार दीजिएगा, और बेयर एक्ट में स्पष्ट कहीं धारा में लिखा है केवल फीमेल, तो मेल न मार दीजिए। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 509 मैंने कह सकते हैं 509 नहीं, इधर की धाराएं नहीं देखिए, IPC की धारा 354A, 354B, 354C और 354D, ये जो अपराध हैं ये केवल और केवल इसके द्वारा किया जा सकता है, पुरुष द्वारा, और इसके प्रति महिला। तो क्या यहाँ मेल आया है तो फीमेल बेरेक्ट में मार देंगे? फीमेल भी कर सकते हैं नहीं, तो क्या स्पष्ट रूप से क्या उल्लिखित है आपका मेल, यानी कि इसका मतलब कि सामान्य भाषा में ये कहा जाएगा, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कहीं आपका मेल ही लिखा है तो आप फीमेल न मार दीजिए। तो ये अपराध किसके प्रति होंगे? चारों, महिला के प्रति। कौन कर सकता है? पुरुष, यहाँ फीमेल नहीं कर सकती अपराध। आइए वचन देखा जाए, यानी कि नंबर, आपका धारा 9 में नंबर शब्द को परिभाषित किया है गया है, जब तक कि अन्यथा संदर्भित न हो। एक वचन में बहुत वचन शामिल है, यानी कि एक आदमी मैंने बहुत से आदमी, लेकिन आपका कहीं कहीं मैं बता दूं, नंबर अगर कानून में नंबर डिसाइड कर दिया गया तो धारा 9 काम नहीं करेगा। तो आप लोग भाई जो लोग पढ़े हैं बता सकते हैं, डकैती के लिए नंबर बताइए, कम से कम कितने नंबर, वहाँ एक नहीं काम करेगा, कम से कम कितना? जैसे कि सामान्य उद्देश्य के लिए कम से कम कितने पैर, 5, तो वहाँ धारा 9 नहीं काम करेगी, कम से कम 5, तो कम से कम 5, अगर कहीं ना दिया हो एक भी व्यक्ति और एक से अधिक, ये भी नहीं पूछा गया। हाँ, धारा 10 जो भी कारण इस समय पूछी जाए, भाई धारा 10 याद करिएगा, धारा 6 के बाद अगर आपको बीच में छोड़ना है तो 7, 8, 9 छोड़ सकते हैं, और आप धारा 10 इस समय वर्तमान समय में एंट्री से लेकर और NJS में भी पूछी जा रही है। देखिए MP का मॉडल, देखिए गाइडलाइन, पुरुष स्त्री, यानी कि पुरुष और स्त्री की परिभाषा किस धारा में, पहला कोट है 10, अब यही पूछा गया था पुरुष स्त्री का मतलब क्या। देखिए ध्यान से कैसे बनाए, पुरुष है तो 18 साल से कम, स्त्री है तो 20 साल से कम, एक ऑप्शन, पुरुष है तो आपका 16 से कम, स्त्री है तो 18 से, फिर दे देगा किसी भी आयु की पुरुष और स्त्री, यानी कि नर या नारी, और इनमें से कोई, तो फिर याद रखिए यही क्वेश्चन अच्छे से जानना है, अगर आपका पुरुष और स्त्री दे तो किसी भी आयु का
पुरुष और स्त्री चाहे एक मिनट पैदा हुए हुआ हो या मरने के क्या हो का याद रखिए। एक क्वेश्चन लोग गलत कर जा रहे हैं। स्त्री पुरुष का मतलब किस एज की स्त्री पुरुष किसी भी एज एक ला याद रखें। लेकिन लेकिन लगा तो खतरनाक ये है याद रखिए। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर धारा में याद रखिएगा स्पष्ट रूप से एज का उल्लेख कर दिया गया तो वहां धारा 10 अप्लाई नहीं होगी और उस धारा की एज लागू। फिर अच्छे से अगर आईपीसी की किसी धारा में एज का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है तो ये धारा 10 वहां काम नहीं करेगी बल्कि वह धारा काम करेगी। और 3-4 उदाहरण देखिए, जैसे कि आपका दे दे आईपीसी की धारा 82 में नर नारी में कितने साल का नर नारी तो ये ना कह दीजिएगा किसी भी आयु का। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कितने से कम किसी की धारा 10 यहाँ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एज के बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ क्या किया गया है। और एक उदाहरण और हम बताते हैं किडनैपिंग का, यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा 300 अगर लड़का है तो कितने से कम हो 16 से और लड़की है तो 18। अब ये कहेंगे किडनैपिंग किसकी हो सकती है भारत नहीं किडनैपिंग किसकी हो सकती है समझ सकता से तो आप ये दिमाग ना लगाइएगा कि किसी व्यक्ति। अब धारा 10 कहती है कि नारी माँ आपका पुरुष और स्त्री मतलब किसी भी आयु की पुरुष स्त्री। लेकिन फिर एक बार मैं बता रहा हूँ अच्छे से, अगर किसी सेक्शन में स्पेशल रूप से एज का उल्लेख किया गया तो धारा 10 का नियम वहाँ लागू नहीं होगा बल्कि उस धारा का नियम लागू होगा जिस धारा में एज का क्लियर कट वर्णन किया गया। तो आप लोग बताइए 361 में लड़का है तो कितने साल से कम 16 और लड़की है तो 18। इसी भी आज का नाम मार दीजिएगा। इससे क्या है आइए धारा 11 यहाँ भी इंटरव्यू से क्वेश्चन बनता है। पर्सन या व्यक्ति शब्द को परिभाषित करती है स्त्री में आ चुका भाई 11 में अंडरलाइन। धारा 11 में पर्सन या व्यक्ति शब्द को आपका क्लियर किया गया। देखिए क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में दागा गया है, ये दागा गया है कि मानव वध क्या। देखिए कैसे को हम भी आंसर बता रहे हैं। जैसे ही आपसे पूछा जाए कि मानव वध क्या तो तुरंत आप जवाब देते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना मानव वध। बताइए हमारी परिभाषा सही है कि गलत। नहीं भाई यही तो समझना सही नहीं है, यही बार मानने के लिए कैसे आयुगर माता होगी देखिए हम भी बार बार रहते हैं तो हम जाते हैं रोज। अब आयु भी ऐसे ही घर माता है अभी उसको क्लियर करते हैं। हेलो हेलो अब देखिए व्यक्ति पहले समझिए आपका व्यक्ति बताना पड़ेगा तब जाके भाई और पढ़ाया जाएगा। देखिए व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। देखिए तो मैं आपका बताया कि मानव वध क्या है ये परिभाषा बिल्कुल गलत है कंपटीशन के। आप ये बताएंगे कि एक मानव द्वारा
दूसरे मानव का वध करना ही मानव वध कहलाता। क्या बताएंगे? एक मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना ही मानव वध कहलाता है। व्यक्ति शब्द का प्रयोग न करिएगा। क्यों? क्योंकि धारा 11 के तहत व्यक्ति में कंपनी भी शामिल है और कंपनी न तो सांस ले सकते हैं, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, तो मर्डर कहाँ से कर देगी। यही आपका इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है और गलत न हो भाई। आगे देखिए, पहले व्यक्ति को अभी परिभाषा न पढ़िए, अब 2 मिनट व्यक्ति के बारे में समझिए ताकि कंपनी ला में बिहार भी कवर हो जाए। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं पर्सन। एक हम लोगों जैसे नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति हम लोग हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, अपना दिमाग विक्रमबाजी में लगा सकते हैं, अच्छी बातों में भी लगा सकते हैं। और एक व्यक्ति होती है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल या बनावटी। वास्तव में न तो खा सकती हैं, न चल सकती हैं, न फिर सकती हैं, लेकिन जबरदस्ती कानून कल्पना के आधार पर उसको व्यक्ति मान लेता है। और वह है जैसे कंपनी हो गई तो तुरंत UPJ में आया कि किस केस में निगम या कारपोरेशन या कंपनी को अलग व्यक्ति माना गया, तो आपका सालोमन का केस। कौन सा केस है? याद रखिए बिहार के। कौन सा केस है? सालो। फिर व्यक्ति देखिए, अब ये है कि जो सेक्शन 11 IPC का है उस पर आया। देखिए व्यक्ति को स्पष्ट किया गया पर्सन को कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय। व्यक्ति निकाय मैंने व्यक्तियों का समूह, बॉडी। व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या न, यानी कि निगमित का मतलब हुआ चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न। अभी हमने IPC में बताया था धारा 4 में। तो यहाँ व्यक्ति में, अब देखिए व्यक्ति में कौन शामिल, ऐसे मॉडल बनता है। ये देगा कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, उपर्युक्त सभी। क्या मारे? हाँ, अब व्यक्ति में कौन शामिल है? दे देगा कंपनी जो रजिस्टर्ड हो, कंपनी जो रजिस्टर्ड ना हो, दोनों इनमें से कोई। क्या हमारे बताइए, तो क्या लिखा मेरठ में? क्या रजिस्ट्रेशन होना कंपनी का आवश्यक है? क्या मारेंगे? दोनों। चाहे कंपनी या व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का जो निकाय, इनका मैंने एक तरह से बांट समूह, चाहे पंजीकृत को रजिस्टर्ड को निगमित कहा जाता है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो, IPC उसको व्यक्ति मानती है। याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है। अब जहाँ जहाँ व्यक्ति की परिभाषा है, आपका कर्तव्य है कि वहाँ वहाँ से उसको कवर करें। अब अगला क्वेश्चन बनता है आपका, कह सकते हैं कि व्यक्ति की परिभाषा को TPA में पूछा जाता है कि TPA में पर्सन या व्यक्ति शब्द को कहाँ बताया गया है। तो TPA की धारा 5 का 2nd पैराग्राफ कितना जान लिख सकते हैं? TPA की धारा 5 का 2nd पैराग्राफ में व्यक्ति को बताया गया। TPA की धारा 5 के कौन सा पैराग्राफ? 2nd। तो व्यक्ति में कौन शामिल है TPA में? प्राकृतिक की विधि की दोनों। याद रखिए, यह नहीं कि आपका दोनों। धारा 12 आ जाइए। लोक को परिभाषित किया गया है, पब्लिक को। पब्लिक का मतलब व्यक्तियों का कोई समूह या व्यक्तियों का कोई वर्ग, यानी कि लोक या पब्लिक को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 12 में। 13 रानी थे तो राजा रानी चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया, तो ये धारा क्या हो गई? इनसे क्या हो गई?
तो 13 से मुक्ति मिल गई धारा, 14 आपका सरकार का सेवक और 15 में अंग्रेजी सरकार, 16 में भारत सरकार, तो 13, 15, 16 आपका निर्सिद्ध है और धारा बीच में 14 बची। अब जब भी सरकार का सेवक पढ़ा जाएगा तो 3 धाराएं एक साथ पढ़नी रहती है। देखिए भाई, धारा 17 पढ़ेंगे, धारा 14 पढ़ेंगे और धारा 21 पढ़ा जाता है, यानी कि आईपीसी की 3 धाराएं एक साथ आप पढ़ेंगे। कौन कौन? 17 आपका तेल, 14 और कौन सा? एक याद रखिए भाई, डेडलाइन की धारा है। पहला क्वेश्चन बनता है, सरकार को कहाँ परिभाषित किया गया है? गवर्नमेंट को कहाँ परिभाषित किया गया है? 17 याद रखे, सरकार की किस धारा में परिभाषा? सरकार में कौन सी सरकार शामिल है? केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? दोनों। और सरकार ने जिन व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है और वेतन भी देती है, भत्ता भी देती है, सरकार ने नियुक्त कर रखा है, तो धारा 14 में उन्हीं व्यक्तियों को एक क्या कहेंगे? सरकार का सेवक। यानी कि धारा 17 वाली सरकार जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया है, उन व्यक्तियों को धारा 14 के तहत सरकार का सेवक माना। अब ये पूछा जाता है कि सरकार का सेवक और धारा 21 में लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट में अंतर क्या है, तो बात बता जाएगा। देखिए, आपका धारा 14 हो गई, 15, 16 निर्सिद्ध, 17 में सरकार हो गई, आपका 18 में भारत को परिभाषित किया गया है, आपका 19 न्यायाधीश, आपका फिफ्थ क्वेश्चन। पिछली बार एपीओ में धारा 19 से क्वेश्चन बना था कि न्यायाधीश शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2015 यूपी एपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जज या न्यायाधीश को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया, कौन सी धारा? 19। और न्यायालय या कोर्ट की परिभाषा का है? 20। इसी को सीपीसी से जोड़ लीजिएगा, 19 को जोड़ लीजिए भाई, तो वह बताया गया था। सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 8 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है, कोरिलेट कर लीजिएगा। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा कौन? 8। और आईपीसी की कौन सी धारा? दोनों में किसको परिभाषित किया गया है? न्यायाधीश। हो सकता है आ जाए, यूपीएपीओ में आ चुका भाई, आना क्या है।